सभी यूसी योजना का हिस्सा है, जिससे कोई भी व्यक्ति निश्चिंत होकर के अपना उपचार करा सके, उसके सामने जीवन और जीविका दोनों का कोई संकट न आने पाए। आज मैं इसी बात को ध्यान में रखकर के मैंने यहाँ पर वार्ड का निरीक्षण किया। कोविड वार्ड के निरीक्षण के बाद मैंने एलएमओ प्लांट भी देखा है, जिसको हम लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान यहाँ पर स्थापित किया था। और अभी मैंने यहाँ पर जो है आरटीपीसीआर की लैब्स को भी निरीक्षण किया है, जहां पे 10,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि हम प्रदेशवासियों के सहयोग से, अपने हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के सहयोग से, भारत सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, थर्ड वेव को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और प्रदेश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने का जो एक अद्भुत संगम देखने को मिला है, उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद जी। महाराज जी, आज आपको पार्टी ने गोरखपुर सदर से प्रत्याशी बनाया है, सही प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी भी है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। और आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है, वह सबके सामने है। सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिनसे जब सवाल किया गया गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर, तो उन्होंने आभार जताया मुख्यमंत्री का और अपनी पार्टी का। उन्होंने कहा कि हम अपने जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो तमाम जनता की सरोकार की बातें हैं, उनको हम लगातार प्राथमिकता पर रखते हैं और प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि प्रदेश में विकास हो। साथ ही साथ तमाम महत्वपूर्ण बातें इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। वहीं गुरुग्राम में कोरोना